हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है प्रॉफिट ट्रेडर्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है हमारे वो ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट जो काफी अच्छी तरह से पिट चुके हैं उनका क्या करना है पार्ट थ्री, उस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ओके, उसके अलावा बिटकॉइन का चार्ट देखेंगे। अभी आप देखिए, बिटकॉइन और इथेरियम जो है वो काफी अच्छे आज रिवर्सल में है और कहां तक जा सकती है ये रैली वो डिस्कस करेंगे। ओके, और कुछ ऑल्ट कॉइन्स की बात करेंगे जो अभी न्यूज में है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉइन मार्केट कैप से। ओके, तो कॉइन मार्केट कैप अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो जो आज का मार्केट है वो ऑलमोस्ट 2.5% ऊपर है। हम लोग जो है वो 1.47 ट्रिलियन डॉलर्स के पास है। बिटकॉइन जो है वो 34,000 डॉलर्स के ऊपर है। इथेरियम 2300 डॉलर्स के ऊपर है, राइट। अगर आप हमारा चार्ट अगर आपको याद हो, तो ये मैंने चार्ट शायद डिलीट किया है हमारे वीकली टाइम फ्रेम पे जो थे, तो इथेरियम जो है वो ऑलमोस्ट हमारे फर्स्ट टारगेट के पास है जो था ये रेजिस्टेंस। और मैंने आपको बोला था ये डबल बॉटम जो है ये उसे वहां पुश करेगा ही, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है आज वो अचीव हो चुका है। ओके, अगर तो आप क्विक ट्रेड के लिए थे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो 30% प्रॉफिट निकाल लीजिए। ओके, और इन केस अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है तो बिल्कुल भी इथेरियम को हाथ मत लगाए। इथेरियम जो है वो बहुत ही ऊपर जा सकता है, बहुत अच्छे खासे दाम को छू सकता है। और एनीवेज अभी जो इसका लंडन फोक आ रहा है वो एक बहुत अच्छा खासा इथेरियम को पुश देने वाला है। अभी तक इथेरियम जो है वो एक मतलब अगर आप देखिए तो इथेरियम कितने भी आप बना सकते थे, इथेरियम की कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं थी जैसे बिटकॉइन की थी। बट ये फोक के बाद इथेरियम की क्वांटिटी जो है वो फिक्स्ड हो जाएगी, जिसका क्या मतलब है, सप्लाई कम और दाम और ज्यादा बढ़ेगा। ओके, वैसे ही अगर हम बिटकॉइन को भी देखें तो बिटकॉइन अभी भी साइडवेज है। हम लोग अभी भी वो पैरेलल चैनल के जो है वो मिड लाइन में है, हमने अभी तक उसे ब्रेक नहीं किया है। ओके, सो हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बट मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, अभी जो है वो इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स ये लोग जो है ये बिटकॉइन को आगे का रास्ता दिखा रहे हैं। ओके, और कैसे, ये एक सिंपल ग्रीन लाइन से अगर आप देखेंगे, ये जो लाइन है ये आपकी ईएमए 200 है। ओके, और 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो इथेरियम आपके सामने है, हम लोग ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं और वापस इसे सिर्फ एक बार ऐसा सपोर्ट टेस्ट करेंगे, मतलब 2286 डॉलर्स पे, और यहाँ के बाद हम लोग जो है वो वापस से एक रैली स्टार्ट करेंगे। और वो रैली कहाँ रहेगी, ये आपका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 2600 डॉलर्स का, और ये रहेगा आपका सेकंड टारगेट जो रहेगा ऑलमोस्ट 3000 डॉलर्स के पास। ओके, अब इथेरियम के बाद अगर मैं आपको बाकी के ऑल्ट कॉइन्स दिखाऊं जैसे 1inch, तो आप देखिए ये अभी थोड़ा लैग कर रहा है बट आवे ब्रेक कर चुका है, रीटेस्ट करने की तैयारी है। एडा भी ऑलमोस्ट ब्रेक करने वाला है। ओके, एक्रो भी ऑलमोस्ट ब्रेक करने वाला है, एल्गो ब्रेक कर चुका है, तो आप देखिए कितने कॉइन्स, एलिस ये भी ब्रेक कर चुका है, अल्फा ब्रेक कर चुका है, एंकर करने वाला है, तो ये सब कॉइन्स जो है ये बिटकॉइन को अभी रास्ता दिखा रहे हैं। तो बिटकॉइन का अभी जो आगे का नेक्स्ट मूव है वो प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे आप ऑल्ट कॉइन्स में देख रहे हैं, हम लोग जो है वो 36,000 डॉलर्स के दाम को बहुत जल्दी जो है वो ब्रेक करने वाले हैं, और ये 36 में नहीं रुकेगा, ये कम से कम 38,000 डॉलर्स पे आएगा और यहां से हम लोग जो है वो वापस करेक्ट होंगे। ओके, तो यहां से हम थोड़ा साइडवेज दिखा के एक्शन यहां से हम ब्रेक करेंगे। ओके, ऑलमोस्ट 38,000 डॉलर्स तक, फिर से एक बार रीटेस्ट करके 200 को, फिर हम वापस जो है अपने 40,000 डॉलर्स को रीटेस्ट यहां से करेंगे। सो बहुत ही अच्छा दिन है आज। ओके, लेकिन जिस दिन आपको ये ऑल्ट कॉइन्स और क्रिप्टो मार्केट फुल ग्रीन में दिख रही है, उस दिन लॉन्ग तो बिल्कुल ओपन मत करिए। ओके, और अगर आपको डॉलर कॉस्ट एवरेज भी करना है तो वेट करिए, जब रेड डे आएगा उसी दिन करिए। अगर आप ग्रीन में है तो प्रॉफिट लीजिए और थोड़ा पैसा इकट्ठा करिए। ओके, तो बिटकॉइन और इथेरियम के बाद कुछ जो है न्यूज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे वीजा जो है उन्होंने 1 बिलियन डॉलर्स जो है वो क्रिप्टो में स्पेंडिंग दिखाई है।
$1 बिलियन, एक्चुअली $1 बिलियन से भी ज्यादा। सो आप देखिए कि लोग जो है वो क्रिप्टो करेंसी को बहुत सही से यूज कर रहे हैं, और आप देखिए यहाँ अर्जेंटीना में भी आज एक नया बिल जो है वो पास हुआ है जिसमें वो वर्कर्स को क्रिप्टो में पे करना चाहते हैं। सो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अराउंड जो लोगों का ओपिनियन है वो बदल रहा है, और आप लोग जो अभी होल्ड करके बैठे हैं अपने क्रिप्टोस को, आप लोग बहुत ही अर्ली इन्वेस्टर्स है। आपका प्रॉफिट यहाँ से आने वाले 5 साल 10 साल में शायद 20 गुना 50 गुना 100 गुना भी हो सकता है। ओके, सो जो आपके पास अच्छे कॉइन्स हैं उनको बिल्कुल मत बेचिए और उनको होल्ड करिए। और कल ही हम लोगों ने देखिए शिबा की बात की थी, शिबा डेक्स जो है या शिबा स्वैप है, आप देखिए उसका टोटल वैल्यू जो लॉक्ड है अभी वो $1 बिलियन हो चुका है। अमेजिंग। तो इसीलिए मैंने आपको कल ही बोला था कि अगर आपने ये टोकन मतलब नहीं खरीदा था तो ये एक अच्छा टाइम था, लेकिन उतना ही इन्वेस्ट करिए जितना आप गवा सकते हैं। ओके, अभी तक कोई उसे अच्छा खासा पुश ऊपर की तरफ आया नहीं है, इवन दो ये अच्छी एक न्यूज आई है। हमें स्टिल वेट करना है कि वो एक बार अपने EMA 200 को जो है वो टेस्ट करे, मतलब ये 0 जो भी है 8 तक, और वहां से हमें उसे बाय करना है और होल्ड करना है उसके प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक। ओके, तो अब धीरे धीरे ये कॉइन जो है ये अच्छा बनता जा रहा है, और आप देखिए ऑलरेडी अपने 200 EMA के जो है वो ऊपर है ये कॉइन। तो मैं आपको 1 मिनट ये डिलीट करके दिखाता हूँ। देखिए तो ये अपने EMA 200 के जो है ऊपर है, तो उसको एक अच्छा खासा सपोर्ट है नीचे। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं बाकी के ऑल्ट कॉइन्स की, वो जो पार्ट 3 में आज इंक्लूडेड है। तो सबसे पहला है मैटिक। ओके, मैटिक अगर आप देखेंगे तो मैटिक ऑलमोस्ट $2.5 को टच करके आया था, अभी जो है वो $1.15 के आसपास है। ओके, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है इस कॉइन को बाय करने का। आप देखिए ये कॉइन अभी भी सॉलिड न्यूज में है। आज ही थोड़े टाइम पहले अल्केमी जो है उन्होंने पॉलीगॉन के साथ जो है वो पार्टनरशिप की है। ओके, तो यहाँ पे ही समझ आ रहा है कि लोग बहुत ऐसे कंपनीज है, लोग हैं जो मैटिक को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये कहीं पे जाने वाली नहीं है। ओके, और अगर आप मैटिक का चार्ट भी देखते हैं तो हम लोग जो है ऑलमोस्ट अपने 200 EMA को ये भी टेस्ट करने वाला है, और ये करेगा डेफिनेटली। अभी जब बाकी के ऑल्ट कॉइन्स जैसे हैं आपने ऑलरेडी देखा, सब ऑलमोस्ट जो है वो ब्रेक कर चुके हैं, तो ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉइन है दोस्तों, और ये हमारा जो है ऐसा एक असेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है जो बहुत ही जल्दी ब्रेक करेगा। तो अगर आपको बाय करना है तो आप 1.11 पे बाय कर सकते हैं, और इसे होल्ड करिए अपने प्रीवियस लोकल हाई के लिए जो था $1.45 का। ओके, तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये यहाँ पे मैटिक में भी ट्रेड लेने के लिए भी, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर होल्ड कर रहे तो डेफिनेटली ये कॉइन बहुत अच्छा है। ओके, मैटिक के बाद दूसरा जो है वो है यूनिस्वैप। यूनिस्वैप भी अपने $50 के हाई से जो है वो नीचे करेक्ट हुआ है, और अभी अपने 50% से भी ज्यादा कम में वो बिक रहा है $22 पे। और ये डेक्सेस में अगर आप देखेंगे तो ये अभी भी, मैंने डेरिवेटिव सेलेक्ट किया सॉरी, एक्सचेंजेस में, ओके, तो डेक्सेस में अभी भी ये जो है ये टॉप का डेक्स है। ओके, तो ये एक अच्छा, आप वॉल्यूम देखिए उसकी 722 मिलियंस पर डे, तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉइन है होल्ड करने के लिए, और अभी नहीं लॉन्ग टर्म। ये भी चेन लिंक की जरा जो है ये 3 डिजिट वाला ही टोकन है। ओके, तो बिल्कुल भी यहाँ पे दो राय नहीं है कि आपको ये टोकन खरीदना है कि नहीं। अगर आपने खरीदा हुआ है तो डॉलर कॉस्ट एवरेज करें, नहीं खरीदा है तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ओके, और जैसा कि मैंने आपको बोला इसका फर्स्ट टारगेट जो है वो $37 का रहने वाला है, और हम लोग जो है उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप देखिए ये भी अपने EMA 200 के ऊपर जो है वो आ चुका है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो टोकन है वो है वीचेन। अब वीचेन भी जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टोकन है, चाइना का ऑलमोस्ट सबसे बड़ा जो है वो क्रिप्टो करेंसी है ये। आप देखिए कोविड सर्टिफिकेट्स जो है वो वीचेन के ऊपर बनने वाले हैं, वीचेन भी जो है अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, और ये स्टेकिंग रिवॉर्ड्स भी आपको देते हैं। सो बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स वाला टोकन है ये। ओके, और ये भी अपने EMA 200 को ऑलमोस्ट टेस्ट करने वाला है। अगर आपको इसमें भी क्विक ट्रेड लेना है तो ये एक बहुत अच्छा स्पॉट है एक्चुअली, तो आप यहीं पे जो है यहाँ से एक लॉन्ग ओपन कर सकते हैं।
ओके, स्टॉप लॉस हम लोग जो रखेंगे वो रखेंगे ये रेड लाइन के नीचे, और हमारा टारगेट जो है वो क्लियर है 24 सेंट्स। ये बहुत आसानी से ये कॉइन जो है वो छूने वाला है। ओके, तो ये जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये यहाँ रहेगा 0.787 के पास। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टोकन है ये भी। नेक्स्ट है ट्रॉन। अब इसका तो मैं बिग टाइम फैन हूँ ही हमेशा से, और मुझे लगता है कि ये कॉइन जो है इसका पोटेंशियल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। यूएसडीटी के ऊपर, मतलब जो ट्रॉन के ऊपर यूएसडीटी ट्रेड होता है वो नंबर वन है। इन्होंने यूएसडीसी भी स्टार्ट कर दिया है, बहुत से एक्सचेंजेस जो है या फिर वॉलेट्स भी जो है उन्होंने भी ट्रॉन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, मतलब ट्रॉन ब्लॉकचेन के ऊपर यूएसडीटी को। सो ऑलमोस्ट ये इथेरियम की मार्केट खाने ही वाले हैं उस चक्कर में। तो ये बहुत ही बहुत अच्छा कॉइन है, और इसमें तो मैं कहूंगा भी नहीं कि प्रॉफिट लीजिए। ये ऐसा अच्छा कॉइन है जो आपको डिप्स में बाय करना है और सिर्फ होल्ड करना है। जिस दिन ये लोगों ने ट्रॉन बर्न करना शुरू कर दिया, ट्रॉन का दाम एकदम जो है वो आसमान को छूने वाला है। ओके, ट्रॉन के बाद नेक्स्ट जो टोकन है वो है लूना। आप देखिए कल ही जो है वो माइक नोवोग्राड ने इसके बारे में ट्वीट किया था, और ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं आपको हमेशा से बोल रहा हूँ कि स्टेकिंग के लिए भी ये अच्छा था, और हम लोगों ने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि इसे बाय करें डिप में और स्टेक करें। अभी हार्मनी और टेरा दोनों ने जो है वो पार्टनरशिप कर ली है ताकि वो और ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस अडॉप्ट करवा सके। ओके, और दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन्स है। और अगर हम लूना का चार्ट देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पे लूना का चार्ट भी ऑलमोस्ट, लूना भी अपने 200 EMA को ब्रेक कर चुका है। आपको बाय कहाँ करना है, $6.5 पे, और होल्ड कहाँ तक करना है, $10 तक। ओके, ये जो इसका प्रीवियस यहाँ पे रेजिस्टेंस था तो $9 तक, ऑलमोस्ट 10 नहीं, तो वेट करिए, ये क्विक ट्रेड रहेगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी देख रहे हैं तो इसे लेके आप स्टेक कर सकते हैं, तो विच इज वेरी गुड। और हार्मनी भी जो है वो भी एक अच्छा टोकन है। ओके, उसके बारे में भी हम लोगों ने बात की थी, वो भी देखिए अपने EMA 200 को ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये कॉइन्स में जो है वो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, लोग काफी ज्यादा जो है उसके लिए मतलब लोग दे आर ट्रस्टिंग दीज कॉइन्स, तो उनको विश्वास है। तो मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इवन दो देखिए बिटकॉइन ऊपर नहीं गया, बट ये कॉइन्स ने रैली दिखाना शुरू कर दिया है। तो ऐसे अच्छे कॉइन्स जो है वो आपके पोर्टफोलियो में रहने चाहिए, उसको डर के मारे आपको बेचना नहीं है। जब तक आपको पता है कि यार हाँ ये कॉइन्स काम कर रहे हैं, मतलब वो कंपनीज काम कर रही है, वो कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे हैं, वो अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर रहे हैं, और वो एक अच्छा प्रोडक्ट है, तो बेचने का सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट। उसके बाद पैनकेक स्वैप, ये भी अगर आप देखेंगे तो टॉप के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ये नंबर एक है। इसका दाम अभी काफी हद जो है अच्छा खासा गिरा हुआ है। आप देखिए $50 से ये जो है $15 पे मिल रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया टोकन है। जैसे जैसे बिनेंस चेन जो है वो थोड़ा और स्ट्रांग होता जाएगा, वो हैक्स जो हुए वो कम हो जाएंगे या वो स्टेबल हो जाएगा, तो ये टोकन भी आपको 3 digits में ही मिलने वाला है। ओके, तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है इसके लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो देखेंगे आप वो है कॉस्मोस। इथेरियम की तरह ही है, इथेरियम का कॉम्पिटिटर ही है, बट इथेरियम से एडवांस्ड है, और काफी सारे कंपनीज जो है वो कॉस्मोस के साथ भी पार्टनरशिप कर रहे हैं। आप देखिए टेंडरमेंट जो कंपनी है, ब्लॉकचेन कंपनी, वो लोग अपना एप स्टोर लॉन्च कर रहे हैं कॉस्मोस के ऊपर। तो ये एक बहुत ही अच्छी खासी जो है वो न्यूज है कॉस्मोस के लिए। और कॉस्मोस का भी अगर हम लोग चार्ट देखेंगे, और इसके स्टेकिंग रिवॉर्ड्स तो बहुत ही अच्छे हैं। एक्सोडस वॉलेट के ऊपर मुझे कम से कम नहीं तो ये 8 या 9% के जो है वो रिवॉर्ड्स देते हैं। सो क्यों इसमें इन्वेस्ट ना किया जाए, राइट। और ये भी अपने EMA 200 के ऊपर है, तो आपको ये भी एक बुलिश स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, तो आज के वीडियो में दोस्तों हमें यही कॉइन्स डिस्कस करने थे। अगर आपको लगता है कि हमने आपका कोई टोकन जो है वो मिस किया है, सो मेक श्योर आप हमारे वीडियो पे कमेंट करें, हमें बताएं। अच्छे टोकन्स को ही बाय करें, अच्छे टोकन्स को ही होल्ड करें। जो आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड्स देते हैं वो बहुत ही बढ़िया टोकन्स है, सो मेक श्योर उनको बाय करें, उनके फंडामेंटल्स चेक करें, उनका रियल टाइम अडॉप्शन देखें, और तभी होल्ड करें। ओके, तो बिटकॉइन भी वापस आप देखिए $38,000 की तरफ बढ़ रहा है, इथेरियम $3,000 की तरफ बढ़ रहा है, ऑल्टकॉइंस भी जो है वो अच्छी खासी रैली दिखा रहे हैं। और जैसा कि हम लोगों ने बोला था कि बॉटम आ चुका है, अभी ऐसा लग रहा है कि बॉटम आ चुका है, अभी सबको लगेगा,
तो इसीलिए मेक श्योर कि कभी भी डरिए मत, पैनिक सेल मत करिए। अगर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे विश्वास है तो विश्वास करिए। अभी तो हम लोग सिर्फ आधे रास्ते आए हैं, अभी आपको 1,30,000 डॉलर्स का बिटकॉइन देखना है। जब बिटकॉइन वहां जाएगा तो आपके ऑल्ट शायद आपको यहाँ से 50 गुना पैसा भी करके दे सकते हैं। ओके, तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को जो है वो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।